7 अप्रैल से इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत होने जा रही है और इसी साल आईसीसी की सालाना बैठक कोलकाता में 22 से 26 अप्रैल को होने वाली है और भारत में इस दौरान आईपीएल का 11वां संस्करण भी खेला जा रहा होगा। इस पर आईसीसी ने बीसीसीआई से आग्रह किया कि इस दौरान एक मैच कोलकाता में भी आयोजित हो ताकि उसके अधिकारी मैच का मजा उठा सके। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने इस बारे में कहा, हाँ आईसीसी की तरफ से विशेष आग्रह किया गया था क्योंकि वे चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधि आईपीएल का एक मैच देखें, लेकिन 22 से 26 अप्रैल के बीच केकेआर का ईडन गार्डन्स में कोई मैच नहीं है। बता दें आईसीसी के इस अनुरोध को बीसीसीआई ने मानने से साफ इनकार करते हुए कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर एक भी मैच का शेड्यूल बदल जाता है तो इससे पूरे टूर्नामेंट पर असर पड़ेगा। आपको बता दें आईसीसी की इस बैठक में पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चीफ नजम सेठी भी भारत आएंगे, लेकिन दोनों देशों के बीच चल रहे राजनीतिक मतभेद के कारण माना जा रहा है कि सेठी को भारत का वीजा ना मिले। अगर ऐसा होता है तो फिर सितंबर में यहां होने वाले एशिया कप में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आने पर रोक लग सकती है।